महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के बाद सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी है। अजीत पवार ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र हम सभी के आदर्श है और हमारे लिए देव तुल्य है। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता को जो धक्का लगा है वो इसके लिए माफी मांगते हैं। मी या बद्दल महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो की युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपल्या सगळ्यांचं दैवत आहे आणि त्या दैवताचा पुतळा त्या पद्धतीने असा वर्षाच्या आत त्या पद्धतीने ते नादुरुस्त होणं किंवा पडणं हे सगळ्यांना धक्का देणारी बाब आहे। तो अजित पवार भले ही माफी मांग रहे हैं लेकिन इस पर सियासत भी गरमा गई है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। आज एनसीपी के शरद गुट ने भी इसे लेकर प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट ने कहा है कि माफी से काम नहीं चलेगा, अजीत पवार को इस्तीफा देना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज उसका मूर्ति बनाने में हजारों सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार देवेंद्र फडणवीस खास एकनाथ शिंदे। अब अजीत पवार जी ने कहा है कि मैं आंदोलन करूंगा उससे क्या होगा, इस्तीफा दीजिए। ये सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार हुआ है, इस्तीफा दीजिए। मूर्ति क्यों टूटी है, भ्रष्टाचार हुआ है ना, खुलकर बोलिए भ्रष्टाचार हुआ है। इसके जवाब उनको देना पड़ेगा। ये भावनाओं का है, ये भावनाओं का इशू है, ये राजनीति का इशू नहीं है। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि ये हम लोग राजनीति करने जा रहे, तो तुम क्या कमीशनखोरी करने के गए थे? तुम्हें सत्ता में जो असंवैधानिक सरकार बिठाई वो कमीशन खाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए आपको बनाया है? उसका जवाब देना पड़ेगा। ये जनभावना का आदर, अगर सत्ता में बैठे हो आप लोग तो आपको जनभावना का आदर करना पड़ेगा। हमें कोई राजनीति नहीं करना है।